आज सब होता है वे पहले केवल माइनिंग का आरोप लगा था और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। लेकिन अब माइनिंग के बाद यहां पे विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प ले और 1300 करोड़ रुपए हड़प ले, पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे जहां गाय थी ही नहीं और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है और भाइयों बहनों आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं यह सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं,